आदाब नाजरीन, मैं जसवीन कौर एक बार फिर आपकी खिदमत में जेके प्रेस मीडिया से खबरों की तफसीलात लेके हाजिर। आप देख रहे हैं इस समय जेके प्रेस मीडिया और ये हैं आज दिन की सुर्खियां। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 80 कोविड मामले सामने आए और 136 लोग ठीक हुए। जम्मू में अभी तक 400 से अधिक सरकारी आवास खाली किए जाने हैं। पानी की किल्लत के खिलाफ पुलवामा गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले मोदी सरकार के कल्याणकारी नेता एचएम अमित शाह का कहना। उमर अब्दुल्ला का कहना, लक्षित नागरिकों की हत्याओं से बहुत चिंतित हूं। हिंदवाड़ा निवासियों ने अनियमित बिजली आपूर्ति का किया विरोध। जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर में शांति के लिए अमित शाह के अथक प्रयासों ने नए युग की शुरुआत की। सरकार द्वारा पदों के निर्माण में देरी के कारण कश्मीर यूनिवर्सिटी के नर्सिंग चलबारी शुल्क का भुगतान करना जारी रखते हैं। महबूबा ने टारगेट किलिंग की जानकारी को प्रशासन ने नजरअंदाज किया। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 21.6% तक पहुंची, हैशटैग इंडिया में सबसे ज्यादा। देहरा की गली मुठभेड़ में दूसरे दिन में हुआ प्रवेश। कश्मीर में अल्पसंख्यकों की बड़ी पैमाने पर स्थानांतरण, छुट्टी या कर्मचारियों के तैनात पर कोई आदेश जारी नहीं किया। जम्मू कश्मीर द्वारा जेके वेब डेस्क। ये थी हमारी आज दिन की खबरों की तफसीलात। आप जुड़े रहिए जेके प्रेस मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।